और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश के सभी मेडिकल अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। बता दें कि उन्होंने इस बीच कहा कि कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से, जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बयान दिया और कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच होगी। तो बढ़ते कोरोना का लेकर यह फैसला लिया गया है। तो इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने और क्या कुछ खास कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन, जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ, जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं, जो कोविड चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे, इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं।